आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं पहले टेंस का रिवीजन दे रहा हूँ। टेंस नॉर्मली टेंस शॉर्ट में समझ लो। टेंसेस के यहाँ पे तीन टाइप्स होते हैं, आप सब जानते हो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। नाउ इस एक टेंस के चार प्रकार है, यू नो वेल। पहला है इंडिफिनिट टेंस, क्या है? इंडिफिनिट। दूसरा है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा है परफेक्ट टेंस, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको एक नंबर आप एग्जाम में ले सकते हो। आपको टेंसेस चेंज करने के लिए एग्जाम में आता है, प्रेजेंट देगा, पास से पूछेगा, पास देगा तो फ्यूचर पूछेगा आपसे, ठीक है, ऐसा करने आता है। तो नॉर्मली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार शॉर्ट में समझ लो। बच्चों प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डस। क्या होता है? डू या डस। पास्ट इंडिफिनिट का होता है डिड और फ्यूचर इंडिफिनिट का होता है विल या शैल। विल या शैल, समझना ये है। इंडिफिनिट को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग होता है यहाँ पे इज, एम या आर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है वॉज या वर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होता है विल बी या शैल बी। विल बी या शैल बी। प्रेजेंट परफेक्ट का होता है हैज या हैव। पास्ट परफेक्ट का होता है हैड और फ्यूचर परफेक्ट का होता है विल हैव या शैल है। यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट का होता है। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता हैज बीन या हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, यह हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके बाद तुरंत आपको ध्यान देना होगा वर्ब फॉर्म पे। देखिए वर्ब के यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब के फॉर्म्स है वो चार प्रकार में बताता हूँ मैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, क्लियर। नाउ पे अटेंशन, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का आपको डू या डस होता है। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में जब यस या ईएस लगता है तो उसे बोलते हैं डस लगा हुआ है। पास्ट इंडिफिनिट में आता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर इंडिफिनिट में आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस में, तो तीनों कॉन्टिन्यूअस के लिए आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तीनों के लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। हम बात करें परफेक्ट टेंस की तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तीनों के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, शॉर्ट में समझो। और यहाँ पे हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो इन तीनों में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। नौवीं सीख लिया हमने क्या सीखा कि टेंसेस का क्या हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा वर्ब का फॉर्म यहाँ पे आता है। अब हमें देखना होगा सिंगुलर प्लुरल, सिंगुलर प्लुरल और आई। देखो मैं अपने ग्रामर की लिस्ट में आई को अलग से रखा हूं मैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सिंगुलर प्लुरल और आई। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लुरल मतलब बहुवचन और आई मतलब सेपरेट आई। आई को सिंगुलर भी बोलते हैं, आई को प्लुरल भी लेते हैं, इसलिए मैंने सेपरेट रखा हुआ है। मैं कहता हूँ आई, आई जो डू जो है आई के लिए आता है और प्लुरल फॉर्म के लिए डू आता है, सिंगुलर फॉर्म के लिए डस आता है। नॉर्मल एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पे आई आई तो मेरा प्ले, आई प्ले। नाउ दे प्ले। अब प्ले क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर मैं ऐसा लिखू ही तो मैं प्ले लिखू, प्ले रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होगा वहां पे? ही प्लेस। क्यों? क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर। ही क्या है? तो आपने ये सीखा कि आई और दे के लिए आप यूज करने वाले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज डू यूज करोगे और ही जो सिंगुलर है उसके लिए आप यहाँ पे डस यूज करने वाले हो, वर्ब मतलब यस या ईएस साथ में लगा रहेगा, ओके। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको मैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। यहाँ पर डिड आता है और यहाँ पे सिंगुलर प्लुरल नहीं होता, ठीक है। चाहे आई हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लुरल, सबके लिए यहाँ पे डिड आता है। एग्जाम्पल आई प्लेड, दे प्लेड, ओके, वी प्लेड, ही प्लेड, शी प्लेड, सब में सेकंड फॉर्म आने वाला है। हम बात करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और यहाँ सिंगुलर प्लुरल नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? जो आई और वी है, आई और वी के लिए शैल यूज होता है और रेस्ट ऑफ जितने भी सब्जेक्ट होने वाले सबके लिए विल यूज होगा। एग्जाम्पल यू विल, दे विल, ही विल,
क्लियर? आई शैल, वी शैल, दैट्स इट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इज एम आर, तो इज जो है वो सिंगुलर लिए आता है, आई के लिए एम आता है और प्लूरल फॉर्म के लिए आर आता है। यहाँ पे वॉज होने की बात होता है सिंगुलर के लिए और यहाँ पे आई के लिए वॉज आता है और प्लूरल फॉर्म के लिए वर आता है। विल बी शैल में सेम यही फंडा चलते जाएगा। आगे बढ़ो, हैज हैव में सिंगुलर फॉर्म के लिए हैज आएगा, आई के लिए और प्लूरल फॉर्म के लिए हैव आएगा। हैड सिंगुलर हो प्लूरल हो या आई हो तीनों के लिए हैड आएगा, यहाँ वही फंडा सेम आएगा। हैज बीन सेम सिंगुलर के लिए हैज बीन आएगा या प्लूरल के लिए और आई के लिए यहाँ पे हैव बीन आएगा या हैड बीन सबके लिए सेम आएगा, सिंगुलर प्लूरल चाहे आई सबके लिए हैड बीन आएगा और यहाँ वही फंडा सेम आएगा। क्लियर गाइस? आपने देखा कि टेंसेस में क्या हैव वर्ब आएगा और किस फॉर्म में कौन सा वर्ब आएगा। क्लियर गाइस? नॉर्मली स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं वॉइस, वॉइस को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। देखो वॉइस के दो फॉर्म्स होते हैं, एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वॉइस के दो टाइप्स आते हैं एग्जाम्स में। एक्टिव वॉइस का मतलब पता है क्या होता है? टेंस होता है। क्या होता है? टेंस। जब कोई भी सेंटेंस टेंस के रूप में होगा वो होगा एक्टिव वॉइस। क्या होगा? वो एक्टिव वॉइस होगा। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस का रूल होता है। हम बात करते हैं पैसिव वॉइस रूल बनता है ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, यहाँ बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव वॉइस का रूल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मामा से एग्जाम्पल लूंगा मैं। मैंने बोला शी राइट्स अ लेटर, समझो यहाँ पे शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देख के वाले पर टेंसेस के रूप में प्रॉपर सेंटेंस दिख रहा है मुझे। अब मुझे इसको चेंज करना है किसमें? पैसिव वॉइस में। मुझे रूल क्या पता है? ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, पहले क्या आएगा? अ लेटर, लिखो अ लेटर, ये क्या बन गया न्यू सब्जेक्ट। प्लस क्या थी मुझे? हेल्पिंग वर्ब, या तो यहाँ पे हेल्पिंग डज लगा है। क्या लगा है? डज। तो आपको मैं बताने जा रहा अभी कि इसमें अगर जो हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसमें किसमें चेंज होगा और मैं कुछ चार्ट सिखाऊंगा अभी। मैं नॉर्मली समझ लो, अगर आपके एक्टिव वॉइस में डज आएगा तो पैसिव वॉइस आएगा इज एम आर, इज एम आर कर्ता के अनुसार, एज पर सब्जेक्ट में आएगा इज एम आर। तो यहाँ पे आने वाला लेटर इज, क्लियर? अ लेटर इज, फिर आप लोग का थर्ड फॉर्म यहाँ राइट कर रहा होता है रिटेन, क्या होता है? रिटेन। तो अ लेटर इज रिटेन, अब आएगा बाय, बाय के बाद आएगा न्यू ऑब्जेक्ट, क्या आएगा? सी का हर, सी का हर, आंसर बन गया अ लेटर इज रिटेन बाय हर। अब ये फंडा डस का इज कैसे हुआ, डस का इज कैसे हुआ, अब वो सीखने जा रहे हैं। शुरू करें ना स्टूडेंट्स, अगर हमारे एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब दिया होगा तो पैसिव वॉइस भी किसमें चेंज करेंगे? इन शॉर्ट में समझा दो यहाँ पे। देखो अगर यहाँ पे डू या डज है, क्या है? डू या डज है, तो यहाँ पे होगा इज एम या आर। अगर यहाँ पे इज एम या आर पहले से लगा हुआ है तो यहाँ पे इज एम या आर आएगा, पर साथ ही एक एक्स्ट्रा चीज बोनस लेके आएगा बींग। क्या लेके आएगा वो? बींग, मतलब इज है तो इज बींग, एम है तो एम बींग, आर है तो आर बींग, डिपेंड करता है कर्ता पे। देखा कर्ता को ऐसे लगा है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। क्लियर? अगर मतलब शी है तो शी के लिए इज आएगा, अगर आई है तो आई एम, तो एम बींग इज बींग और यहाँ पे आर बींग, ऐसा जोड़ना होगा। जब आपको यहाँ पे ये हेल्प दिखेगा ना तो आपको ये यूज करना होगा, ये बात ध्यान देना आप लोग। उसके बाद में डू डस हो गया, इज एम आर हो गया, ध्यान देते हैज या हैव। अगर आपको यहाँ पे हैज हैव दिखेगा ना बच्चों, तो आप यहाँ लिखना हैज बीन, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। अगर आपको यहाँ दिखेगा हैज बीन पहले से, हैज बीन दिखेगा और हैव बीन दिखेगा, तो आप चुपचाप बोल देना नो चेंज। उसे क्या होगा? नो चेंज, उसमें चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर? उसके बाद में अगर आपको यहाँ मिलता है डीड, क्या मिलता है? डीड मिलता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिलता है, तो यहाँ पे आएगा डीड के लिए वॉज या वर, वॉज या वर एज पर सब्जेक्ट। आगे अगर आपको दिखा दे वॉज या वर पहले से मिल गया तो आप बोलेगा वॉज या वर प्लस बींग, प्लस बींग। इस चार को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, दो मार्क का ग्रामर वॉइस आता है। अगर आ गया और आपको समझ में आ रहा है ऑटोमेटिक आप करके आओगे। प्लीज कॉन्सेंट्रेशन, कुछ बाकी नहीं रखा पढ़ाने का आप लोग को मैंने।
ध्यान देना बच्चों, आगे वॉज है वर्ब प्लस बीन, उसके बाद हैड है तो हैड बीन। अगर आपके लिए हैड बीन पहले से दिया हुआ है तो आप लिखोगे नो चेंज एम सी, क्लियर। अब हम बात करते हैं अभी फ्यूचर के, इसके लिए फ्यूचर देखते हैं लोग यहाँ पे अगर सेंटेंस है वो एक्टिव में विल या शैल मिला, विल या शैल मिलेगा तो मुझे विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। अगर पहले से आपको विल बी या शैल बी मिल गया, विल बी या आपको शैल बी पहले से मिल गया तो आप यहाँ पे नो चेंज कीजिएगा। ऐसे यहाँ पर विल हैव मिला, विल हैव मिला या शैल हैव मिला तो आप यहाँ लिखोगे विल हैव बीन, विल हैव बीन या आप लिखोगे शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अगर आपको पहले से विल हैव बीन मिल गया यहाँ पर, विल हैव बीन या आपको मिल गया शैल हैव बीन, तो आप यहाँ पे सिंपली नो चेंज कीजिएगा। ओके, ये चार के बाद समझ लीजिए, इसके साथ एक और चीज सीख लीजिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में कोई भी नाम दिया है, फॉर एग्जाम्पल श्रीदेवी दिया, श्रीदेवी, तो श्रीदेवी का यहाँ पे श्रीदेवी रहेगा, यहाँ पे वो जाके रानी मुखर्जी और कैटरीना कैफ नहीं बन जाएगी, ठीक है ना, वही रहेगा श्रीदेवी। श्रीदेवी को टक्कर लेने वाला है भी नहीं भाई, चलो श्रीदेवी का श्रीदेवी रहने वाला, नाम का नाम ही रहने वाला है। अगर आई है तो आई का मी होगा, अगर शी है तो शी का हर होगा, अगर ही है तो ही का हिम होगा, अगर दे है तो दे का देम होगा, अगर वी है तो वी का अस होगा, सुना यू है तो यू का यू होगा, इट है तो इट का इट ही रहने वाला है। आप कैसे पढ़ना है, श्रीदेवी का श्रीदेवी, आई का मी, मी का आई, शी का हर, हर का शी, ही का हिम, हिम का ही, दे का देम, देम का दे, वी का अस, अस का वी, यू का यू, यू का यू, इट का इट, इट का इट, मतलब आपको ऐसे चेंज करना है, यहाँ पे तो यहाँ पे होने वाला है। इतना नाम भी समझ लिया उन्होंने, अब जो आप एक एग्जाम्पल है आपको मैं आम देखी उन्होंने एग्जाम्पल फॉर यू, जस्ट पे अटेंशन। मैंने एग्जाम्पल लिया साहिल, साहिल प्लेज अ क्रिकेट, साहिल प्लेज अ क्रिकेट, साहिल प्लेज अ नहीं आएगा, साहिल प्ले क्रिकेट आएगा और नहीं आएगा, और यहाँ पे मिस्टेक पता है मिस्टेक किया, फाइंड एरर, बोलो क्या होगा। अगर मैं बोला साहिल प्लेज और क्रिकेट, तो एरर क्या होगा, स्पॉट एरर आता है प्रोफेशनल के, तो क्या हुआ मिस्टेक था, आर्टिकल वहां पे एरर है वहां पे और नहीं आएगा, क्लियर। चलो तो साहिल प्लेज क्रिकेट, साहिल प्लेज क्रिकेट मैंने बोला, अब साहिल कौन यहाँ पे है, सब्जेक्ट, प्लेज क्या है और यहाँ पे क्रिकेट क्या है, देख के कौन पर रही है हमारे, क्या एक्टिव वॉइस, क्या हमारा ये एक्टिव वॉइस करना, किसी बच्चों पैसिव वॉइस में करना है, तो पैसिव वॉइस का रूल आपने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट बिकम क्रिकेट, क्रिकेट आ गया क्रिकेट, उसके बाद तो यहाँ पे डस लगा, क्या लगा है, समझो डस चेक करो, डस यहाँ पे है, डू या डस, एक्टिव में डस है तो पैसिव में क्या होने वाला है, इज एम या आर, देखो यहाँ पे एक्टिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डस, ई एस या एस लगा हुआ है, तो आप बोलिएगा कि उसमें क्या लगा है, डस लगा, क्या लगा है यहाँ पे प्लेस में डस छिपा है, तो डस है तो उसके लिए आएगा पैसिव में इज एम आर कर्ता के अनुसार। बताओ क्रिकेट यहाँ पे सिंगुलर होगा, क्या होगा, तो क्या आएगा इज, क्या आएगा, तो क्रिकेट इज, क्रिकेट इज। अब क्या चाहिए उनको, न्यू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे प्ले का थर्ड क्या होगा, प्लेड, क्या होगा, प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाय साहिल, ये हमारा बन गया हमारा एक्टिव से पैसिव। ओके बच्चों, आपको एग्जाम से क्वेश्चन आएंगे तो कोई भी टिपिकल क्वेश्चन आए, तो सिंपल क्वेश्चन लिया आपके लिए मैं, पर आप कोई भी क्वेश्चन आए आपको ये अगर ये चार्ट पूरा प्रॉपर याद है तो आप आराम से कर लोगे वॉइस, क्लियर बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, कैन आई टेक वन मोर एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ममता, ममता इज बींग, ममता इज बींग चीटेड बाय द शॉपकीपर, शॉपकीपर, यानी कितने एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे, ममता इज बींग चीटेड बाय द शॉपकीपर, ममता जो है शॉपकीपर के द्वारा ठगी गई,
अगर आपको देख के मालूम पड़े पहले पहचान कौन सा है वॉइस है, ममता है, सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सर इज के साथ में बींग लगा हुआ है, सर इज के साथ में बींग लगा हुआ है, मालूम पड़ा है क्या हमारा पैसिव वॉइस, क्या हमारा ये पैसिव वॉइस है, ये हमारा पैसिव वॉइस है, लिख दिया समझ के। चलो अब चीटेड वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म है, बाय लगा हुआ है, सॉफ्ट में क्या ऑब्जेक्ट है, अब हमें करना है किसमें एक्टिव का, सॉरी पैसिव का हमें करना है एक्टिव में, किसमें करना होगा है हमें एक्टिव करना है। चलो शुरू करें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिकम द शॉपकीपर, द शॉपकीपर, ओके। देखो अगर पैसे में इज बीइंग लगा है तो एक्टिव क्या लगेगा, इज एम आर, तो शॉपकीपर, द शॉपकीपर इज, इज अब बीइंग हटेगा और यहाँ पे इज लगते ही यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, तो लिखेंगे द शॉपकीपर इज चीटिंग, द शॉपकीपर इज चीटिंग, चीटिंग हुम, ममता, क्लियर, द शॉपकीपर इज चीटिंग ममता। अब आपको तो मैं वापस रिवर्स में चेक करो, द शॉपकीपर क्या है सर से, इज क्या है चीटिंग, क्या है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ममता क्या है चेक करो, ऑब्जेक्ट का ममता आ गया, अब यहाँ पे इज है तो इज के लिए क्या आएगा, इज बीइंग, तो ममता इज बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म चीटिंग का चीटेड, ओके, देन बाय, फिर ऑब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, द शॉप, क्लियर, कॉन्फिडेंट आया आप लोग को, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वॉइस ऑफ इंपरेटिव, चलिए एक एग्जाम्पल, वॉइस ऑफ इंपरेटिव, वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, प्लीज अटेंशन, हम पढ़ते हैं वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारा नॉर्मली रूल होता है। इंपरेटिव मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, जब सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल, ओपन द डोर, सिंपल एग्जाम्पल, अब ओपन यहाँ पे वर्ब है, द डोर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, देख के मालूम पड़ रहा है ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसे करें हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है द डोर, लेट द डोर, अब बी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट द डोर बी, अब थर्ड फॉर्म चाहिए ओपन का, ओपन, ठीक है, ये हमारा हो गया वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, सिंपल सा ये वाला, ठीक है, आप लोग को आगे बढ़ते हैं, बहुत सी प्ले लिस्ट में वीडियोस है, ग्रामर लिस्ट में आप देख के पढ़ सकते हैं, सब चीजें पढ़ा के दिया आप लोग को मैं, एवरीथिंग आई थॉट जो कि बोर्ड एग्जाम में सब ग्रामर में कवर किया ग्रामर सीरीज में। चलो बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हमने क्या क्या कवर किया, हमने टेंसेस लिया इन शॉर्ट में, हमने वॉइस लिया इन शॉर्ट में, अब मैं टूट पढ़ने वालों के लिए कहा हमने डिग्री, कहाँ पे डिग्री, शुरू करते हैं डिग्री इन शॉर्ट में, सब डिग्री, डिग्री के तीन बच्चे हैं, डिग्री कितने बच्चे हैं, तीन बच्चे, पहला डिग्री हमारे पास में पता कौन सा है, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपटीटिव डिग्री, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपटीटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री तीन टाइप्स है, इसका फुल फॉर्म जानते हो लिख लेना आप लोग ना, पॉजिटिव डिग्री को हम लोग पहचाने कैसे, बोलते पहचान कौन, पहचान कौन, कैसे पहचानेगा, तो पहचान तरीका इसे ये है कि यहाँ पर एज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एज लगा होगा। बच्चों यहाँ पे जो वर्ब है ना, वर्ब नहीं है, ये होता है एग्जेक्टिव, क्या था बच्चों, ये होता है एग्जेक्टिव, मैं उसको सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलूंगा, ओके, नॉर्मल रूल्स में आपको है क्या वो एग्जेक्टिव ध्यान देना, यहाँ पर तो यहाँ पे एज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एज लगा होगा, यहाँ पर सीडी में दैन लगा होगा, स्पेशली दैन लगा रहता है, और यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईआर लगा होगा या तो मोर लगा होगा, ईआर या मोर लगा होगा, ये पहचानने तरीका सिंपल सा। एसटी का देखो, एसटी में दो लगा होता है, स्पेशली दो लगा होता है, क्या लगा होता है, स्पेशली दो लगा होता है, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईएसटी लगा होता है या तो मोस्ट लगा होता है। अब आपको एग्जाम्पल, एग्जाम्पल गुड, गुड है, गुड का सेकेंड फॉर्म में सीडी है बैटर, गुड बैटर, और यहाँ पे बेस्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोर का बात है, मोस्ट का बात है, जब वन सिलेबल होगा ना, वन सिलेबल का शब्द होगा जो एक ही बार बोलने में खत्म होता है, गुड खत्म, तो उसके लिए तो गुड बैटर बेस्ट तीन फॉर्म हो गया। पर अगर हम ऐसे आगे जहाँ तोड़ के बोलना पड़ता है, एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, ब्यूटी जो ब्यूटीफुल दो सिलेबल है, ब्यूटीफुल दो सिलेबल है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ पे आएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस,
क्लियर समझ पा रहा है ना आपको। चलो इतना होने के बाद में आप बताओ कि इनके रूल्स क्या हैं, कैसे करेंगे हम लोग सीडी से पीडी, पीडी से सीडी, एसडी कैसे करेंगे, तीनों आपस में इंटरचेंज होता है। क्लियर, शुरू करते हैं बच्चों। अब देखते हैं लोग यहाँ पे रूल्स, देखो क्या होता है इसमें, तीन डिग्रियां हैं और तीन डिग्रियों को तीन तरीके सॉल्व करने तरीके भी हैं। मैंने उनको केसेस में बताया, केसेस में, केस नंबर वन मैं लिखा हूं नो अदर का केस होता हूं मैं। दूसरा केस नंबर टू में ये वन केस है, ये टू। केस नंबर टू तो वेरी फ्यू का केस। और केस नंबर थ्री में बोलता हूं आपको यहाँ पे कंपैरिजन डिग्री। ये तीन तरह के हमारे पास तरीके होते डिग्री सॉल्व करने के। केस नंबर वन में बोलो नो अदर केस है, केस नंबर टू में वेरी फ्यू केस है, और केस नंबर थ्री कंपैरिजन डिग्री है। इसके पहले रूल्स सीख लो, रूल्स नॉर्मली सीख लो तो सब कुछ इजी रहेगा, कुछ है नहीं इसके अंदर। देखो एसडी सीडी और पीडी सीखे रूल हम लोग, एसडी सीडी पीडी। एसडी मतलब क्या हुआ, सुपरलेटिव, सीडी मतलब कंपलेटिव, और पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री। देखो एसडी का रूल इसमें होता है सबसे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस दो आता है, प्लस यहाँ पे आएगा क्या आएगा, यस यहाँ वर्ब का फर्स्ट वर्ब प्लस ईएसटी या मोस्ट आता है, ईएसटी या मोस्ट। सबसे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस दो प्लस वर्ब का फर्स्ट वर्ब ईएसटी या मोस्ट प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल होता है। सीडी का रूल होता है इसमें सबसे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पे दो, सबसे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट वर्ब ईआर या मोर प्लस दैन एनी अदर प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है। बच्चे रूल समझिए लाइन से, इंडिया रूल का बच्चे यहाँ पे नो अदर, यहाँ पे नो अदर केस है बच्चों, नो अदर पहले आता है, नो अदर प्लस यहाँ पे क्या आता है, नो अदर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एज प्लस सबसे। बच्चे रूल होता है, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ भैया आप लोगों को भी, नो अदर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट सबसे, फाइन सबसे गाइस, ओके हैव यू गॉट दिस। अब एग्जांपल समझ लो पहला वाला, फिर ये तो बताऊंगा आपको मैं। विटेन एग्जाम्पल हियर, कश्मीर, मैंने लिया कश्मीर इज द बेस्ट, कश्मीर इज द बेस्ट प्लेस इन इंडिया। हमने एक एग्जाम्पल लिया फिर, कश्मीर इज द बेस्ट प्लेस इन इंडिया। हाँ भाई सही है, जन्नत कहते हैं कश्मीर को, ठीक है, पर वहां पे जाने का क्या होता है, डिस्काउंट भी होता है, तो बच के जाने का। क्या सुनिए, कश्मीर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, द लगा हुआ है, बेस्ट यहाँ पे मैंने वर्ब लिया इसको, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव, ध्यान देना आप लोग। प्लेस इन इंडिया क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम, वो यहाँ पे नहीं है, वॉइस में था कंफ्यूज होते जाओ बच्चों। अब हमें देखिए ना यहाँ पे ये है कि कौन सा डिग्री है, पहचान कौन, ये हमारा एचडी है, कौन सा ये, चेक करो, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, द है, वर्ब में ईएसटी लगा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मिला आपको। करना क्या है, सीडी, क्या करना है आप लोग खुद बताओगे मुझे, सीडी। तो पहला यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझे सेनर, तुमसे नहीं है Guys, कश्मीर बिकॉज हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, कश्मीर इज, नाउ यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईआर या मोर चाहिए बच्चों, यहाँ पे बेस्ट है, तो बेस्ट तीन फॉर्म होते हैं, गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ पे आएगा बेटर, क्या आएगा बच्चों, बेटर, कश्मीर इज बेटर देन एनी अदर, कश्मीर बेटर देन एनी अदर, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेस इन इंडिया, प्लेस इन इंडिया, क्लियर गाइस। अब हम पढ़ते हैं एक सब पीडी, अगर तुम लोग यहाँ पे पीडी, देखो रूल क्या है, नो अदर, नो अदर, नो अदर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेस इन इंडिया, नो अदर प्लेस इन इंडिया, ओके। अब क्या चलो हेल्प ऑफ इज एज वर्ब का फसम, गुड गुड बेटर बेस्ट ना, तो एज गुड एज कश्मीर, समझ गए, हेलो। तो बच्चा आपने बहुत सिंपली सीख लिया डिग्री,
डिग्री के जब तीन रूल्स आप याद रखोगे तो बहुत सिंपली आप सीख जाओगे। आई होप अंडरस्टूड दिस। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको बता रहा हूँ वेरी फ्यू का केस। वेरी फ्यू का केस में ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, नो लेवल बन जाएगा। तो कैसे, यहाँ पे एस डी में क्या होगा, द सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द। जहाँ द है तो वहां कट कर लिखे पे वन ऑफ द, ठीक है। बाकी चीजों का तो रूल रहेगा। सी डी में क्या चीज होगा, जहाँ पे देन एनी अदर है वहां लिखेंगे देन मोस्ट अदर, बाकी सब चीज सेम रहेगा। और जहाँ पीडी है वहां पे लिखे हम लोग, यहाँ पे नो अदर प्लेस लिखे हम लोग वेरी फ्यू प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। इसमें आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। ये चेंजेस इसमें होता है। ये हमारा डिग्री है, सेकेंड फॉर्म में लिया, सेकेंड केस लिया वेरी फ्यू वाला। बोलो रूल्स क्या पढ़ लेते हैं। सबसे सेंसरी का सबसे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएसटी या मोस्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सीडी का रूल है सबसे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईआर या मोर प्लस देन मोस्ट अदर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पीटी का रूल है वेरी फ्यू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल फॉर्म में होगा प्लस एस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे नो तक कट जाएगा, वहां पे वेरी फ्यू। गाइस आपको मैंने यहाँ पे रूल बता के दे दिया है, सिंपली अब हम एग्जांपल देखेंगे और ये सब भी खत्म कर लेंगे। चले एक एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे मैंने कहा अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लता मंगेशकर इज द है तो द को मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द लता मंगेशकर इज वन ऑफ द। अब इज लिखना जरूरी है क्या, हालांकि चली गई बेचारी है ना, फिर भी इज लिख रहा हूँ मैं क्योंकि अमर है वो। लता मंगेशकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर इन इंडिया। देखो लता मंगेशकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर इन इंडिया, पहचानो। लता मंगेशकर सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वन ऑफ द लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट यहाँ पे वर्ब है, सिंगर इन इंडिया क्या ऑब्जेक्ट है, समझ गए। मांग भरो सजना, ये सीख जाओ, पहले सीख जाओगे तो बहुत इजी है ग्रामर आपका। अब देख के बाद ये हमारा एस डी है, क्या है हमारा एस डी, करना क्या है सी डी, क्या करना हुआ है सी डी। सी डी अमरू कहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है लता मंगेशकर। यहाँ पे क्या चीज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इज लिखेंगे। अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे ग्रेटेस्ट है तो आएंगे ग्रेटर, इज ग्रेटर, लता मंगेशकर इज ग्रेटर, फिर देन मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगर इन इंडिया, मोस्ट अदर सिंगर इन इंडिया। ओके गाइस, ये आपका एग्जाम्पल करते हैं मैंने सीडी वाला भी। अब करना हमको क्या है एसडी में, सॉरी पीडी के नंबर, अब हम करना है पीडी में। चलिए पीडी देखते हम लोग, पीडी में क्या होगा, यहाँ पे रूल क्या है वेरी फ्यू, क्या चाहिए हम लोग को वेरी फ्यू, तो लिखिए वेरी फ्यू प्लस ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है सिंगर, वेरी फ्यू सिंगर इन इंडिया। ओके फिर आएगा आपके हेल्पिंग वर्ब, क्या वर्ब है इज है, क्या आएगा आर, वेरी फ्यू सिंगर इन इंडिया आर। फिर एज यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ग्रेटर का ग्रेट, और एज ग्रेट एज व्हाट, लता मंगेशकर। ओके गाइस, लता मंगेशकर जी धन्यवाद। उनके गाना है क्या आवाज फटा हुआ, क्या गाना उनका है फिर बोले, लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। स्टूडेंट्स ने भी देख लिया अभी यहाँ पे दो डिग्री, केस नंबर वन नो अदर का और वेरी फ्यू का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं कंपैरिजन डिग्री, क्या है कंपैरिजन डिग्री। कंपैरिजन डिग्री में क्या होता है, सीडी का पीडी होता है। यहाँ पे नो एसडी, यहाँ पे एसडी नहीं होता, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर नहीं होता। देखो अगर सीडी में नॉट लगा है
तो पीडी में नॉट हम नहीं लगाते। अगर पीडी में नॉट लगा है तो सीडी में नॉट हम नहीं लगाते। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट यहाँ का क्या बनता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बनता है सब्जेक्ट बनता है। ये नॉर्मल सा रूल है। एक एग्जाम्पल समझो, मैंने बोला काजू, काजू इज बेटर देन राजू, काजू इज बेटर देन राजू, काजू इज बेटर देन राजू। यहाँ कंपेयर किया है काजू का किससे, राजू से। किससे, काजू का राजू से कंपेयर किया है। अब देखो यहाँ पे ईआर लगा हुआ है और देन लगा, देख के मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा एसडी है। क्या ये गलत, ये हमारा सीडी है। क्या बच्चों, ये हमारा सीडी है। क्या ये सीडी है, क्योंकि सीडी में देन आता है और वह में ईआर आता है। हमें करना किसमें होगा, पीडी में। क्या करना होगा, पीडी में। तो सीडी में नॉट लगा है नहीं, तो पीडी में नॉट लगाएंगे। और यहाँ रूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिकम सबसे, तो यहाँ पे राजू पहले आएगा। राजू इज नॉट। अब एज बेटर का फर्स्ट फॉर्म होता है गुड, गुड बेटर बेस्ट। राजू इज नॉट एज गुड एज काजू, काजू इज नॉट एज गुड एज काजू। ये हमारा हो गया, वेरी सिंपल। एक दो का निकला रखो, हाँ करके दिखा मुझे आप लोग। एक बार एग्जाम्पल, कच्चा कच्चा कच्चा, एक अच्छा लिया मैंने, कच्चा 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 बादाम इज बेटर क्यों लोगे, कच्चा बादाम इज मोर पॉपुलर देन कोई और नाम ना, मोर पॉपुलर देन किसमिस, किसमिस है ना, आई नेवर हर्ड किसमिस, नेवर कच्चा बादाम, मैं सुना नहीं हूँ मैं भी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा इसमें बोलो, जस्ट डू व्हाट वी डू दिस वन टेल मी, पहचानो। कच्चा बादाम सबसे, इसे आपने हैप्पी को दिया है, मोर लगा है, मोर से मालूम पड़ रहा है और देन से मालूम पड़ रहा है ये हमारा सीडी है। क्या है ये, करना किसमें है, पीडी में। किसमिस यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बिकम किसमिस, किसमिस किसमिस इज, यहाँ नॉट लगा है क्या, तो यहाँ नॉट लगा है। किसमिस इज नॉट एज पॉपुलर एज पॉपुलर एज कच्चा बादाम। ओके क्लियर बच्चों, अब तक मैंने तो कवर किया टेंसेस लिया आपको मैंने, गैस क्वाइट आपको मैं टेंसेस लिया, टेंसेस को वॉइस लिया, वॉइस का डिग्री ले लिया आपका मैंने। ओके मेजर ग्रामर पार्ट में कवर किया आप लोग का। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझो आप लोग यहाँ पे नरेशन, इन शॉर्ट में नरेशन बताया, नरेशन ऑलरेडी मैं तीन वीडियो बना के दिया हूँ, तीन वीडियो में पूरा आपको बता के दे दिया हूँ मैं नरेशन, पर इन शॉर्ट में तीन वीडियो शॉर्ट बताने जा रहा हूँ, सीख लो बच्चों। नरेशन, नरेशन को हम जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से, ठीक है। इन शॉर्ट समझो, मैंने कहा अब यहाँ पे रोहित, रोहित सेड टू दिव्यानी, रोहित सेड टू दिव्यानी, रोहित गाइस वेट, रोहित सेड टू दिव्यानी कैन यू हग मी, कैन यू हग मी। मैंने क्वेश्चन किया यहाँ पे, रोहित ने दिव्यानी से कहा, ये रोहित नहीं भाई, रोहित ने दिव्यानी से कहा कि कैन यू हग मी, क्या तुम मुझे गले से लगा सकती हो। गाइस कम ऑन, अब समझो यहाँ पे रोहित सेड टू दिव्यानी, ये हमारा है रिपोर्टिंग, इसे बोलते हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्क। ये हमारा है रिपोर्टेड, क्या बच्चों, ये है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्क। बच्चों ध्यान देना, इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच। जब कोई बंदा डायरेक्टली किसी कुछ कह रहा है तो उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच। हमें करना है इसको आइडियस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। देखो मैं नॉर्मली सॉल्व करने जा रहा हूँ यहाँ पे, कैसे, रोहित रोहित
अब सेट टू बदलेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, तो यहाँ पे आस्क्ड, रोहित आस्क्ड, रोहित ने पूछा, किससे पूछा? दिव्यानी। ओके, रोहित आस्क्ड दिव्यानी। अब यहाँ पे कैन, कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है उसे जोड़ते हम लोग इफ या वेदर से, तो यहाँ पे इफ, इफ, अब यहाँ सदिप यू है, यू सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा एज पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन? दिव्यानी, तो आएगा शी, इफ शी, कैन का होगा कुड, कैन का होगा कुड, इफ शी कुड, इफ शी कुड हग। अब यहाँ पे मी, मी फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा एज पर सब्जी के हिसाब से, सब्जी कौन यहाँ पे? रोहित, रोहित कौन है? लड़का, तो आएगा हिम। ओके, हग हिम। नाउ रोहित आज दिव्यानी इफ शी कुड हग हिम, ये मैंने चेंजेस किया। बच्चों जो मैंने भी किया ना वैसे कुछ, इसका बदला, उसको बदला, सेट टू बदला, यहाँ पे इफ लगाया, ओके, और मैंने यहाँ पे कैन को कुड में बदला, मी को मैंने हिम में बदला, यू को मैंने शी में बदला, यही तो समझना है, यही समझना है डिस में, और वही मैं आपको समझाने अभी चाह रहा हूं। चलो शुरू करते हैं बच्चों, समझो मेरी बात है। यहाँ पे नॉर्मल सा रूल्स है, नॉर्मल क्या है बच्चों? रूल्स है, रूल नंबर वन, रूल नंबर टू, रूल नंबर थ्री, रूल नंबर फोर, यहाँ चार रूल बताने जा रहा हूं आपको, नॉर्मली समझ लो, अक्का दुक्का तिक्का, दो मिनट समझो, दो मिनट में समझो अपना, पे अटेंशन। फर्स्ट रूल क्या कहता है? अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में हो, अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, नो चेंज, नो चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये पहला रूल है। एग्जाम्पल, रोहित अगर सेल्स टू दिया होता, सेल्स टू दिया होता या विल से दिया होता, तो इसका टेंस नहीं बदलता, कैन का कैन रहता, कुड नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली। अब देखो रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो क्या होगा? तो महाभारत, क्या होगा? महाभारत, समझो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा एज पर पास्ट टेंस, एज पर पास्ट टेंस के हिसाब से आपका चेंज होगा, पास्ट के हिसाब से चेंज होगा आपका सारा हेल्पिंग वर्ब, वो क्या होगा वही सीखना मेन है, सीखो, अभी बता रहा हूँ सीखो। तो अगर रिपोर्टेड में डू या डज है, अगर डू या डज है तो रिपोर्टेड में ही चेंज होगा डू या डज होने से, यहाँ चेंज होगा क्या? डिड, क्या चेंज होगा? डिड, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म बनेगा। अगर यहाँ पे इज है, एम है या आर है, ये चेंज होगा वॉज या वर में, किसमें? वॉज या वर में, वॉज या वर्ब चेंज होगा, वॉज या वर में। अगर यहाँ पर हैज है या हैव है तो यहाँ पे आएगा हैड में। अगर यहाँ पे हैज बीन, अगर यहाँ पे हैज बीन है या हैव बीन है तो यहाँ पे होगा हैड बीन, हैड बीन में चेंज होगा, ध्यान देना बच्चों। ओके, ये रूल्स है इसमें। अब आगे, अगर आप लोग, ये प्रेजेंट का था, प्रेजेंट का था, अब पास्ट का, अगर आपको दिया पास्ट के हिसाब से प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था, प्रेजेंट, अगर पास्ट में, अगर हम लोग को दिया है इसके अंदर डिड दिया है या वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है, तो डिड के लिए होता है हैड, बहुत समझना है ना, बहुत ही बड़े बच्चे मिस्टेक यही करते हैं। अगर डिड है या वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो हैड लगेगा। अगर यहाँ पे वॉज है या वर है तो यहाँ पे आएगा हैड बीन, हैड बीन, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ खतरा है, बच्चे यही गलती करते हैं, ध्यान देना बच्चों। अगर यहाँ पहले से हैड है या हैड बीन है तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। अब ऐसे ही फ्यूचर के लिए बच्चों, फ्यूचर के लिए मैंने कहा है, फ्यूचर के लिए अगर विल है तो विल को बदलने का उड में, ओके, अगर शैल है, शैल बदलने का शुड में, अगर कैन है, कैन बदलने का कुड में, अगर मे है तो मे बदलेगा माइट में, समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से चेंज होते जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों। फिर मुझे आगे सिखाना है इंडायरेक्टली और कुछ चीजें, मैं एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल सिखा के दूंगा आप लोग को, बहुत जब पढ़ाने जाए बहुत ज्यादा ये वाइड है, अगर आपको डिटेल में सीखना है तो तीन वीडियो मेरे सामने है, आप सीख सकते हैं डिटेल में,
पर इन शॉर्ट मैं अभी एग्जाम्पल लूंगा और आपको चार एग्जाम्पल में आपको मैं आइडियाज खत्म करके फेंक दूंगा। राजा सेटू रानी, राजा सेटू रानी, राजा यहाँ पे सब्जेक्ट है, रानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आप मान लो जो बोलने वाला है वो सब्जेक्ट होगा, जो सुनने वाला है वो ऑब्जेक्ट होगा। अब बच्चों यहाँ सेट टू कैसे चेंज होगा? सेट टू चेंज होगा एज पर दिस सेंटेंस। ये क्या है? ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। समझो रूल्स, ये आपका पास्ट टेंस में है तो ये भी टेंस चेंज होने वाला है, ठीक है। अब देखो सेट टू किसमें बदलेगा? ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। जब असर्टिव सेंटेंस आएगा तो आप लोग को वहां सेट टू को टोल्ड में कन्वर्ट करना होगा। तो राजा टोल्ड रानी, अब यहाँ पर जितना भी इन्वर्टेड कॉमा वगैरह है ये सब हट जाएगा। यहाँ पे कंजेशन आएगा डैड, क्या आएगा? डैड। असर्टिव सेंटेंस के लिए कंजेशन में डैड यूज करते हैं, कंजेशन में डैड यूज करते हैं। अब आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राजा। राजा एक लड़का है तो राजा के लिए यहाँ पे आएगा ही, क्या आएगा? ही, डैट ही। अब एम है, एम का होगा यहाँ पे वॉज, ही वॉज हैप्पी, He was happy। और जो टुडे है, टुडे का बदलता है, चेंज होता है डैड डे में, तो ठीक है डैड डे। ओके, हमने हम सॉल्व किया, राजा टोल्ड रानी डैड ही वॉज हैप्पी डैड डे, क्लियर। अब देखते सेकेंड एग्जाम्पल, राम सेड टू रीता। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, रीता यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। राम ने रीता से कहा, तो जो यहाँ सेट टू को हमें चेंज करना है, यहाँ देखो सेंटेंस क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में भी ये वर्बल क्वेश्चन है। जब प्रश्न शुरू हो हेल्पिंग वर्ब से, जब आपका क्वेश्चन शुरू हुआ हेल्पिंग वर्ब से उसे बोलते हैं वर्बल क्वेश्चन, और वहां भी जोड़ते किससे? इफ या वेदर से। तो क्या लिखेंगे? राम, राम जो यहाँ पे सेट टू है उसे लिखे हम लोग यहाँ पे आस्क्ड में, राम आस रीता। अब यहाँ पे विल से सेंटेंस स्टार्ट है, तो जब विल से स्टार्ट है आपका क्वेश्चन कभी भी विल से स्टार्ट होगा या कोई भी हेल्पिंग से स्टार्ट होगा उसे बोलते हैं वर्बल क्वेश्चन, और वहां जोड़ते हैं इफ या वेदर से। तो यहाँ जुड़ेंगे इफ से, किससे? इफ से। तो यहाँ पे राम आस रीता इफ, इफ के बाद है यू, यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा इस पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में रीता है, जाता जाएगा शी, इफ शी। अब विल का होगा यहाँ पे उड, इफ शी उड ज्वाइन, इफ शी उड ज्वाइन। अब मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा इस पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में राम है तो मी एक मी लड़के के लिए दिया है, तो मी जब लड़के के लिए दिया होगा तो वहां बदलेगा हिम में, ठीक है। तो इफ शी वुड जॉइन हिम इन पिकनिक, ये हमारा हो गया एक एग्जांपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। रघु सेट टू राघवी, रघु यहाँ पे सब्जेक्ट है, राघवी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब सेट टू चेंज होगा एज पर दिस सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगा, सिंपल, यहाँ होगा आस्क्ड, ठीक है, हमने चेंज कर दिया, रघु आस राघवी। अब कभी भी जब प्रश्न डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो, हु से, हाउ से, वाई से, तो उसको हम उसी से जोड़ देते हैं। अब वाई है तो हम वाई से जोड़ेंगे, यह गया वाई। अब वाई के बाद में यू, यू क्या सेकंड पर्सन है, चेंज हुआ इस पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट राघवी है, राघवी की लड़की है, तो यहाँ पे आएगा शी, वाई शी। अब आर का होगा वॉज, वाई शी वॉज सैड, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, रघु आस राघवी वाई शी वॉज सैड, वेरी सिंपल। कुमकुम सेट टू बीटीएस, कुमकुम यहाँ पे सब्जेक्ट है, ओके, बीटीएस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब सेट टू चेंज होगा एज पर दिस सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा सर जी, जब कभी भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ होगा तो हम सेट टू को चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड में, किसमें? एक्सक्लेम्ड में। कुमकुम एक्सक्लेम्ड बीटीएस। कंजक्शन क्या आएगा? कंजक्शन यहाँ पे डाउट आता है, क्या था बच्चों? डाउट। पहले सीखो कि जो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ होगा उसे हम चेंज करते हैं असर्टिव में। तो मैं इसे कट कर रहा हूं, मैं यहां लिखूंगा मैं इट इज
अब मैं ए इट इज अ व्हाट के लिखूं मैं वेरी इट इज अ वेरी लवली परफॉर्मेंस। बच्चों पहले आपको ना इस एक्स्ट्रा वेटी को चेंज करना होता है असर्टिव में, असर्टिव बनने के लिए इसलिए यहाँ पे तो डैट लगाते हैं प्रीपोजिशन, यहाँ पे यहाँ डैट आ गया। डैट के बाद अब इट है, इट को इट एंडिंग कर लो, इज का हो जाएगा वाज, दैट इट वाज अ वेरी, इट वाज अ वेरी लवली परफॉर्मेंस। ठीक है ओके okay? अब हमारे फर्स्ट शब्द दिया आप लोग यहाँ पे एक पढ़ लो, कुमकुम एक्सक्लेम्ड बीटीएस दैट इट वाज अ वेरी लवली परफॉर्मेंस। नाउ लास्ट एग्जांपल देखिए, रंजीत सेड टू रिया, रंजीत यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब सेड टू चेंज होगा एज पर दिस इनर सेंटेंस, यहाँ पे दिया है फुल स्टॉप, देख के मालूम पड़ा है प्लीज लगा हुआ है, जब प्लीज लगा हुआ है तो ये हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव में भी ये हमारा रिक्वेस्ट है, तो सेट टू को हम चेंज करेंगे, चेंज करेंगे यहाँ पे रिक्वेस्टेड में, किसमें रिक्वेस्टेड में, रंजीत रिक्वेस्टेड रिया। अब यहाँ पे कंडीशन टीओ टू है, क्या है टीओ टू, इंपरेटिव को जोड़ते हैं टीओ टू से, तो टू अब यहाँ प्लीज हट जाएगा हेल्प। अब यहाँ पे जो मी दिया है, मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा एज पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में रंजीत है, रंजीत एक लड़का है, तो यहाँ पे आएगा हिम, इसका उत्तर हो गया रंजीत रिक्वेस्टेड रिया टू हेल्प हिम। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये आइडियाज। इस पांच एग्जांपल से पूरा आइडिया कंप्लीट कर लिया हूं मैं। अब हम देखने जा रहे हैं यूज ऑफ अनलेस एंड इफ नॉट, अब हम देखने जा रहे हैं यूज ऑफ अनलेस एंड इफ नॉट शॉर्ट में, समझ चार एग्जांपल में खत्म होगा। समझो पहले सेंटेंस में अगर इफ और नॉट दिया हो और सेकंड सेंटेंस में आपको यहाँ पे नॉट नहीं दिया हो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड पहले सेंटेंस में इफ दिया है नॉट दिया है और सेकंड सेंटेंस में नॉट भी दिया है, तो थर्ड अगर पहले में इफ दिया है और यहाँ पर नॉट दिया है, फोर्थ वाला यहाँ इफ दिया है और यहाँ नॉट नहीं दिया है, ये चार प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पहले में इफ नॉट मिलेगा, सेकंड में इफ नॉट मिलेगा, ओके थर्ड वाले में इफ मिलेगा और यहाँ फोर्थ में इफ मिलेगा, नॉट है नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे करेंगे सब ध्यान दीजिए, अगर फर्स्ट में जब इफ नॉट मिलता है सेकंड में नॉट मिलता है, एग्जाम्पल है उसको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, पहले सेंटेंस में इफ नॉट लगा होगा, दूसरे में नॉट नहीं दिया होगा, पहले में इफ नॉट दिया होगा, सेकंड में नॉट भी दिया होगा, फर्स्ट सेंटेंस में इफ दिया होगा, सेकंड में नॉट नहीं दिया होगा, थर्ड में फोर्थ में आपको यहाँ पे फोर्थ में आपको इफ दिया होगा और यहाँ पे नॉट नहीं दिया होगा, तो ऐसे चार प्रकार से सेंटेंस आपको एग्जाम में आता है, तो इफ नॉट को फेंकने का, अनलेस लगाने का। कैसे, देखो बच्चों आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसके लिए, एग्जाम्पल इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, मैंने सेंटेंस लिया इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, यू विल फेल, ओके एग्जांपल लिया। अब देखो इफ मिला और नॉट भी मिल गया, फर्स्ट सेंटेंस में आपको इफ मिल गया और नॉट भी मिल गया, तो करना क्या है, और सेकंड सेंटेंस में आपको नॉट नहीं दिया हुआ है, आप दिख रहे हैं नॉट नहीं दिया हुआ है, तो करना क्या है, आपको पहले सेंटेंस में आपको इफ के प्लेस पर, If के प्लेस में लिखना unless, क्या लिखना आपको है unless, unless you, तो do not यहाँ से हट जाएगा, unless you work hard, comma you will fail, okay very simple। आगे second sentence के लिए example लिया मैंने, if you do not work hard you will not pass, मैंने example लिया भी फर्स्ट सेंटेंस में मुझे इफ मिला है नॉट भी मिला है, सेकंड में भी मुझे नॉट मिला है, तो मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ इफ के प्लेस पे मुझे यहाँ पे अनलेस लिखना है, लिख दिया, और जहाँ डू नॉट है उसे मैंने हटा दिया, और सेकंड सेंटेंस से मुझे कोई मतलब नहीं है, सेकंड में नॉट है तो भी मतलब नहीं है, नॉट नहीं है तो भी मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, इफ के प्लेस पे अनलेस लिख दो और डू नॉट कैसे हटा दो। Now, for example, यहाँ पे if दिया है, not नहीं दिया है, सिर्फ if मिला हमको, sentence बना लेते हैं यहाँ पे, if you work hard,
इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ नॉट लगा रहेगा, तो यू विल नॉट फेल. If you work hard, you will not fail. और देखो जब कभी पहले सेंटेंस में सिर्फ आपको if दिखेगा, उस if के प्लेस पे आपको लिखना unless. Unless लिखने के बाद में देखो आपने क्या किया, if के प्लेस पे आप unless लिख रहे हो, तो आपको देखना उस सेकेंड सेंटेंस में देखना होगा यहाँ पर not लगा है क्या, तो not लगा है क्या, तो इस not को हटा दो, not को हटा दो. आप बोलोगे unless you work hard, you will. सिंपल. आगे देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल. यहां से इफ दिया है और यहां नॉट नहीं दिया है, यहां नॉट नहीं दिया. एग्जाम्पल देखो, इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास. यहां नॉट नहीं चाहिए, तो क्या होगा जब फर्स्ट सेंटेंस में सिर्फ मुझे इफ मिला है, तो इफ को हटा के हम लिखेंगे अनलेस. क्या लिखेंगे वहां पे, unless you work hard. Okay, तो जहां not नहीं लगा होगा तो आप वहां not को इस्तेमाल करोगे, तो यहां पे not लगाना होगा. Not, तो कैसे, unless you work hard, you will not pass. ये आपके चार रूल्स थे, बहुत सिंपल. सिर्फ क्या देना, मुझे शॉर्ट में शॉर्ट समझो. जब आपको if or not मिलेगा ना हम लोग को, तो टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल वाला है. If not मिला पहले सेंटेंस मिला, तो if को डाओ, unless लिख दो, do not को डाल दो, और पूरा सेंटेंस जैसा वैसे लिख दो. सिर्फ यहाँ टेंशन है, अगर आपको सिर्फ if दिया है तो वहां पे unless लिखो, not नहीं है तो not को वहां पे लगा दो, अगर not है तो not को निकाल दो. इतना ही करना है बस आपको. है वापस देखो, जब सेंटेंस में सिर्फ if दिया हो और यहाँ not नहीं मिलेगा ना, तो सेकेंड वाले सेंटेंस में से मतलब होता है. If को हटाओगे तो यहाँ पहले से लिखोगे, अगर not है तो not को निकाल दोगे, not नहीं है तो not को भी लगा दोगे. बस. तो बच्चों ये बहुत सिंपल सा ग्रामर ने कवर कर लिया है. ऐसे ही ग्रामर के और वीडियोस आपको बनाते रहूंगा, देखते रहिए.